तो दोस्तों इवनिंग का टाइम हो गया, आपकी प्यारी बहन सुहानी जो देखिए ना बना रही है सवेरे सवेरे है लौकी का सब्जी है। ये रही मम्मी। गाइस हम जाने वाले हैं कहाँ पे, कहाँ जाएंगे मम्मी? समस्तपुरा। कहाँ जाएंगे आज? अभी छोटे वाली बहन को देवर का शादी है, तो वहाँ से फोन किया है जो मम्मी तुम चलाओ, दोनों राजा भाई है तुम, तो हम तो नहीं जाएंगे। राजा भाई को अभी भेज रहे हैं, वहाँ जाना भी जरूरी है, बारात भी करना जरूरी है। चक्कर ये है ना कि आज 13 तारीख है, कल 14 है, हम लोग का एग्जाम है। हाँ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, बारात जाएंगे तो कम से कम रात हो जाएगा ना मम्मी। हाँ हाँ। तो होंगे तो वहाँ से जल्दी निकल के आएंगे। वहाँ पे एक न्यू बाइक है और यूट्यूब मनी से क्या चीज से लिया गया, तो आप लोग को बाइक भी दिखाने वाले है। तो चलिए अभी चलेंगे, खाना वाना खा लेते, बढ़िया से फिर निकलेगा मम्मी। इसी माने वो किसी भी। तो चलिए अभी निकलते हैं। सो गाइस अभी दीदी के यहाँ जाने से पहले मम्मी देखिए मेरे लिए पराठा बना रही है। तो सुहानी देखिए आँखों में एकदम वाह लग रहा है जलाने के बाद भी। भाई लोग की बोला खाने के लिए। बिल्कुल सभी लोग आइए, पराठा बन रहा है, गर्मा गर्म खा लीजिए आप लोग। सो गाइस फाइनली रेडी हो चुके हैं, इसमें से आईफोन आप लोग को दिखा रहे हैं। एक बार आईफोन दिखाए थे तो आप लोग कमेंट करे की भैया आप लोग आईफोन दिखा रहे हैं। रही मम्मी। मम्मी हाँ ठीक है, एंजॉय करते हैं बढ़िया से एकदम, यहाँ पहुँचते हैं फिर उसके बाद। सो गाइस अभी मैं रास्ते में था, आप लोग को एक जानकारी दे दूँ, ब्लॉग बनाया था जहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा, हमारे लिए क्वेश्चन पूछा था कि भैया यहाँ पे पानी जो सूखता क्यों नहीं, खेती क्यों नहीं होता, तो वो ट्रैक्टर का आवाज़ है ना, बोलने में कुछ नहीं बनता है। ये जो निचली इलाका है ठीक है, यहाँ सुखाड़ी इलाका नहीं है, यहाँ पे जो मौसम आता है तो नदी भर जाती है, नदी भरने की वजह से यहाँ पे जो है निचली इलाका है ठीक है, नीचे बहुत ही गड्ढा है इसके अंदर, इसी वजह से सुबह निकलता है, सुबह निकलने के बाद जो है पानी चारों तरफ आ जाता है, पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है कह सकते हो आप, एक छोटी तालाब कारण जो है यहाँ पे जो पानी नहीं सूख पाता है। पहुंच चुके हैं पटोरी, ये रहा हमारा पटोरी जंक्शन, जैसा कि देख सकते हो आप लोग सामने भी पड़ता है। यहाँ से निकल रहा है जंदाहा, फिर जंदाहा से फिर उसके बाद वहाँ पे गांव पड़ता है हमारी दीदी का। सुबह साइड वाले रास्ते से जो है बहुत ज्यादा जाम लग रहा है, उससे जाने में नहीं बन रहा है। ये अभी हम जंदाहा आ चुके हैं और देखिए छोटा सा पास में मार्केट बनता है, यहाँ से देखिए छोटा सा रास्ता बनता है, इसी रास्ते से जो हम जा रहे हैं, फिर उस साइड में जाम लगा हुआ है जैसे कि देख सकते हो आप लोग, गाड़ी रुका हुआ है, फिर साइड होते हुए हमको निकलना है। गाइस बहुत ही ज़्यादा जाम लगा हुआ है, इसलिए फिर से हमें दूसरा रास्ता यानी शॉर्टकट रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही भारी जाम लगा हुआ है। देखिए यार पे हम दूसरा रास्ता चलते हैं ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है क्योंकि 1-2 घंटा लग जाएगा वहाँ से जाम छूटने में। देखो हमारे गाँव में शादियों का सीजन चल रहा है, देखिएगा से। देखिए ये वाला शॉर्टकट रास्ता पड़ता है, ये सीधे जाना है हमको ठीक है, उस साइड से आए हैं और सीधे जाएंगे तो रोड पे निकल जाएंगे, फिर उसके बाद दीदी के घर निकलेंगे। दोनों बाबू के लिए बिस्किट और कुरकुरा ले लिए, नहीं तो जाएंगे तो दोनों परेशान करेंगे कि मामा जी आ गए लेकर के नहीं आए। और भाई फाइनली पहुंच चुके हैं दीदी के घर, शादी होने वाले हैं, ये है कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए गाँव में कुछ इस तरीके का माहौल है शादी का, देख सकते हैं आप लोग। दीदी घर में, घर में। और ये आर्यन, आर्यन कहाँ गया? ये देखिए आर्यन, ये छोटा वाला। तो सो गाइस ये है हमारे अगले जीजा जी के घर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस तरीके के हैं। तो जीजा जी जल्दी घर बनाने वाले हैं और साथ ही साथ एक बाइक लिए हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा खुशी हो रहा है कि कुछ डेवलप कर रहे हैं, है ना। ये देखिए आर्यन का कुरकुरा, ना कुरकुरा पहले ही पहचान गया है। एक बाबू के लिए रख दो, तुम खा लो ठीक है। सुबह दीदी के यहाँ देखिए दाल चावल, ये रही सब्जी, अभी खाएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। देवर का शादी है तो अभी आप लोगों को विधि विधान दिखाएंगे ठीक है, गांव में किस तरह से जो शादी में विधि विधान होता है, बिल्कुल खाट देहाती टाइप का। चलो दीदी ठीक है, चलिए। तो गांव के विधि विधान के अनुसार और अभी निकलेंगे हम लोग देवता पूजन के लिए। ये रो रहा है, क्यों रो रहा है? बारात जाने के लिए। अभी बारात अभी जाएगा कि रात में जाएंगे? तैयारी कर देंगे। विधि विधान के अनुसार देखिए सभी लोग रेडी हो चुके हैं, ये हमारी प्यारी सी दीदी देखिए फूल से सजी हुई है, यहाँ पे जो दीदी की गोतनी हुई है। ये हमारा गांव का परंपरा है, जैसे इसी तरह से बिलौकी मंगाया जाता है, बिलौकी होने के बाद आप बराती निकलेंगे हम लोग। गाइस
विधि विधान के अनुसार आप लोगों को पूरा भीत दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, बहाने आप लोगों को पूरा यहाँ का जितना ब्लॉगे का जो भीत होगा सब दिखाएंगे। क्या दीदी एक जगह विधि विधान हो चुका है, अभी दूसरे जगह पे आए हैं विधि करने के लिए। देखिए ब्रह्म बाबा के पेड़ है, पूजा करते करते रात हो गया। देखिए कितना हल्लम चिल्ली हो रहा है गांव में। देखिए दीदी बहुत खुश है क्योंकि दीदी का देवर का शादी हो रहा है, देवर की शादी है। आप लोग भी आइए, भोज खा लीजिए। एक और दीदी भी है ना, चलिए। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं बिलौकी से। बिलौकी में एक और बीत बचा हुआ था, वो दिखाने पे वो काफी दूर पे था, ठीक है। तो दीदी बोली की आप घर पे चले जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही वो लोग आते हैं पूरा ब्लॉकी लोगों को पूरा करके, विधि विधान को पूरा करके, तो फिर बारात चलेंगे, फिर बारात दिखाएंगे कि हम लोग का बारात जो है गांव में किस तरह से मनाया जाता है। सो गाइस ये देखिए आर्यन जो है लोकनिया बन के जाएगा, यानी दूल्हा का छोटा भाई। हेलो बोलो, हेलो हेलो हेलो। अरे वाह, देखिए दीदी इनको तैयार कर रही है अच्छे से। दूल्हा साहब रेडी हो चुके हैं। सुबह अभी ठंडी का मौसम है, बढ़िया से एकदम पहन बन के तैयार हो गए। ये देखिए हमारा छोटा सा भांजा पपी दो पहले लोकनिया बन गया, यानी दूल्हा का छोटा भाई, यानी विधि होता है ना दीदी। विध होता है, विध होता है ना, लड़का में लोकनिया जाता है साथ में। हाँ, लड़का के साथ में लोकनिया जाता है, इसलिए जो हम छोटे पापा की शादी है, इसके लिए कमेंट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, ये हमारा छोटा सा भांजा जो घर में आप लोग कहते थे कि आपका भांजा भांजी कहाँ गई। तो गाइस अभी चलिए बढ़िया से हम लोग रेडी हो चुके हैं और देख सकते हैं एकदम देहाती स्टाइल में, और देहात में तो रहते हैं आपको पता ही है। तो चलिए अभी चलते हैं बारात। डांस करोगे ना? बारात करने के बाद खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद जो है क्या बोलना है बोलो। गाड़ी में बैठ के जाएंगे। सो गाइस बाराती के लिए रेडी सेडी हो चुके हैं, दूल्हा भी अंदर बैठ चुके हैं। कितना ज्यादा अंधेरा है, लाइटिंग वाइटिंग के गाँव में ना काफी ज्यादा दिक्कत होता है। तो गाइस फाइनली बारात जो है पहुंच चुके हैं लड़की वालों के घर, और देखिए कुछ इस तरीके से सजावट है आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस अभी दूल्हा को उतारने का परंपरा होगा जयमाला के लिए। तो गाइस बढ़िया से शादी वादी का सीजन था, बढ़िया से शादी बराती भी कर लिए और शादी भी आप लोग को दिखा दिए। बट अभी रीज़न ये है कि अभी हमें घर जाना, ठीक है। यहाँ से कम 2 घंटा का रास्ता है, यानी 100 किलोमीटर पर जगह है ना जी। तो ये रोड तक हमको छोड़ देंगे, बाकी सुनसान रास्ता हमें ही अकेले काटना है, ठीक है, अकेले चलना है। यानी रात का भी बज रहे हैं 12, हमें 1 से 2 बजे के करीब में पहुँचना है। क्यों? क्योंकि ब्लॉग भी साथ में करना है, अपलोड भी करना है साथ ही साथ, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ब्लॉग सही से कर नहीं पाएंगे, बहुत ही आवाज़ें हो रही है, गाना वाना बज रहा है। और साथ ही साथ सवेरे जो 8 बजे मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है, तो एग्ज़ाम भी देना, इसीलिए अभी निकल रहे हैं ताकि जल्दी से दोनों काम हो जाए, ताकि आपका ब्लॉग भी ना छूटे और एग्ज़ाम भी हो जाए। तो चलिए अभी सुनसान रास्ता में देखते हैं क्या होता है, फिर चलते हैं घर। घर जाके फिर आप लोग से बात करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा जगह पर जा रहे हैं ना जहाँ पर कोई भी गाड़ी वाड़ी नहीं चलता है, बिल्कुल अकेले ही जाना है हमको। तो गाइस फिर चलिए अभी निकलते हैं, फिर मिलते हैं। गाइस अभी 1 घंटे का रास्ता तय कर लिए हैं, 1.5 घंटा बचा हो, यानी 2.5 घंटा लग ही जाता है। हम सोचते हैं कि 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। हमारे पीछे आप लोग देख सकते हो रेलवे स्टेशन, वहाँ पटोरी जंक्शन पड़ता है। देखिए कोई भी नहीं, बिल्कुल एकदम सन्नाटा है, आप लोग को देखा, पूरा सन्नाटा है, कोई भी नहीं है, देख सकते हो आप लोग।
बिल्कुल सन्नाटा है। देखिए सो गाइस चलिए, क्योंकि व्लॉग को एडिट करना है, अभी निकल जाते हैं। गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं? होगा पेट्रोल मेरे हिसाब से। देखो गाइस ये वाला रास्ता बहुत ही ज़्यादा डरावना और सुनसान है, क्योंकि जैसा कि आप लोग पानी देखते हो दोनों तरफ पानी, रात होते ही कोई भी नहीं आता है। तो गाइस बस दुआ कीजिएगा कि जल्दी से हम यहाँ से निकल जाए एकदम सेफ, क्योंकि गाइस क्या बताएं, एग्ज़ाम भी देना है, व्लॉग भी अपलोड करना है, तो एग्ज़ाम मेरा लाइफ का सवाल है और व्लॉग भी मेरा लाइफ का सवाल है। तो इसलिए जो वहाँ से निकल के, हालाँकि हमको जीजा जी जाने नहीं दे रहे थे, बट इसी रास्ते से हमको निकलना है, ठीक है? बढ़िया से सेफ होकर निकल जाए, फिर आप लोग से घर पर बात करेंगे। यहाँ पर कोई भी कैमरा हमारा ऑन नहीं करना है, बस साइड में घर है इसलिए हम कैमरा ऑन करके आप लोगों को बता दिए। तो चलिए अभी सीधे निकल। सुबह फाइनली वहाँ से निकल चुके हैं और ऊपर वाला क्रम है, और क्या बताएं, आप लोगों ने दुआ भी किया होगा इस कमेंट में, और कमेंट में किया होगा बच गए तभी तो व्लॉग कर रहे हैं। सुबह ऐसा माना जाता है इस रास्ते में, और कह सकते हैं कि लूटपाट बहुत ही ज़्यादा होता है, और यहाँ पर बहुत ही अलग अलग घटनाएँ होती रहती है जो लोगों को तकलीफ़ देती है। थोड़ा सा भी देखिए वहाँ पर रुकना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो है हम जल्दी से निकल आया। डर भी लग रहा था, थोड़ा थोड़ा आभास हो रहा था, बट गाइस कोई बात नहीं है, बढ़िया से निकल गए। ऐसा लग रहा था कि कोई हमें रोक रहा है, बट वहाँ से निकल चुके हैं और घनी आबादी वाले इलाकों में आ चुके हैं। यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, घर देख सकते हो यहाँ पर चारों तरफ, ठीक है? तो गाइस अभी निकलते हैं घर पर, और घर पर जा करके बढ़िया से फ्रेश व्रेश होकर के आपसे मिलते हैं। खाना भी अभी तक नहीं खाए हैं। सो गाइस फाइनली घर पहुँच चुके हैं, अभी बहुत तेज़ भूख लगा है, तो बैग में दीदी ने खाना रख दिया था, चावल और सब्जी, तो अभी खाना भी खा लेते हैं। चावल सब्जी दीदी के यहाँ से लेकर के ही बराती करने गए थे और ब्लॉग भी शूट कर रहे थे, तो अभी एडिट करेंगे फिर आराम करेंगे। अभी क्या हुआ कि आपकी छोटी बहन सुहानी जो है ताला लगा दी थी, और ताला का जो हुक होता है ना अंदर से टूट गया था, वो खुल ही नहीं रहा था, तो अभी हथौड़ा मार के उसको तोड़े हैं। तो चलिए एडिट करने के बाद आप लोग से मिलते हैं। सो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ नया करने का कोशिश कर रहे हैं फैमिली व्लॉग से हट के, ठीक है? ताकि आप लोग को ज़्यादा जो इंटरेस्ट है व्लॉग में, और ज़्यादा देर तक व्लॉग को देख सको, क्योंकि गाइस 3 बजे तक हमने व्लॉग को एडिटिंग किया, फिर सो गए और एंड भी नहीं कर पाए, अपलोड भी नहीं कर पाए, इतना ज़्यादा थक गए थे। आपको पता है बाइक में राइडिंग करना, तेज़ी से चलाना, वो भी बाइक में बिल्कुल भी दम नहीं, फिर भी बहुत तेज़ी में 70-80 के स्पीड से भगा रहे थे रात में, पूरा शरीर एकदम दर्द हो रहा है, एकदम हवा से लग रहा है, चोट लग रहा था ऐसा। सो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कैसा लगा हमारे गांव का शादी, यही हमारी रियलिटी है, यही हमारी फैमिली है, तो जो भी चीज़ें हैं हम शर्माते नहीं हैं, वो चीज़ आप लोग को दिखाते रहते राजा लोग। तो गाइज आप लोग को क्या करना है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, और गाइज ये रहा इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम पे जाकर के फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमको सपोर्ट कीजिए और इस ब्लॉग को शेयर कीजिए, बस क्या ही कहेंगे। हर समस्तीपुर से देख रहे हो तो पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, अदर स्टेट से देख रहे हो तो पूरा का पूरा फुल सपोर्ट कीजिए दोस्तों, बस ऐसे प्यार दुआ सपोर्ट करते रहिए। और अभी जाने वाले हैं 17-18 तारीख को कहीं और बढ़िया सा टूर पे, तो वो भी आप राजा भाई सभी लोगों को घुमाएंगे, ठीक है? तो इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा, अपना कीमती वक्त निकालकर मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।